हेलो बच्चों, प्रेशर प्रेशर क्या होता है? बहुत बच्चे जानते होंगे कि प्रेशर क्या होता है। पढ़ाई का प्रेशर होता है, कहीं कुछ काम करते हैं उसका प्रेशर होता है, बॉस का प्रेशर होता है ऑफिस में, कोचिंग जाते हैं तो टीचर का प्रेशर, स्कूल जाते हैं तो स्कूल के टीचर का प्रेशर, घर में पेरेंट्स का प्रेशर, बहुत तरह के प्रेशर होते हैं। प्रेशर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, प्रेशर के बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। ये कहो कि प्रेशर का डायरेक्शन जो होता है वो 360 होता है, चारों तरफ। बच्चों, प्रेशर जो होता है वो बेसिकली एक इफेक्ट होता है। प्रेशर इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। प्रेशर क्या है? एक फोर्स के इफेक्ट को कहते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। मान लीजिए कि किसी भी बॉडी पर हम जो फोर्स लगाते हैं उसका इफेक्ट क्या है। जैसे सपोज कि इस पर हमने यहां से एक फोर्स लगा दिया, अब इस फोर्स के कारण इस बॉडी पर क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये बॉडी ऐसे मूव कर जाए, या फिर हो सकता है कि अगर ये वाला हिस्सा मान लो कि सॉफ्ट है और ये वाला हिस्सा हार्ड है, अब क्या होगा कि ये वाला हिस्सा ऐसे पिचक जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसी शेप बना लेगा। ऐसी देखो ध्यान से, ये अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगा, ये अंदर की तरफ क्या होगा, प्रेस होगा। तो डिपेंड करता है कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की इफेक्ट क्या है। फोर्स का जो इफेक्ट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, उस फोर्स को, फोर्स का जो इफेक्ट है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब बात आया कि प्रेशर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों, उसको जानने के लिए तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है कि प्रेशर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो होता है वो एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट किसका है बच्चों? फोर्स का। इसको मैं एक उदाहरण और देता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक एप्पल है, उस एप्पल के ऊपर हमने एक 10 किलो का हथौड़ा या 10 किलो का एक बोतल लाके उसके ऊपर रख दिया, 10 किलो का बोतल लाके रख दिया। 10 किलो कितना फोर्स लगा रहा है? 10 mg, F=mg के रूप से 10 mg फोर्स उस एप्पल के ऊपर लग रहा है। हमने देखा कि एप्पल कटा नहीं कटा, मतलब कि एप्पल के दो टुकड़े हुए क्या? नहीं हुए। हमने 10 किलो का एक हथौड़ा उसके ऊपर रखा, देखा कि एप्पल के दो टुकड़े नहीं हुए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक नाइफ लेकर आते हैं, चाकू, जिसकी धार एकदम पतली हो और बड़ा शार्प हो। अब उस चाकू को हम लोग उस एप्पल के ऊपर रखते हैं, उसके बाद उस 10 किलो का जो हथौड़ा था उसके ऊपर रख देते, चाकू के ऊपर, नाइफ के ऊपर। फाइनली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एप्पल है उसके दो टुकड़े हो गए। पहले भी हम 10 किलो का वजन दे रहे थे, पहले भी हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, लेकिन एप्पल के दो टुकड़े नहीं हुए। अब हम जब नाइफ रख के और 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तब देखा कि एप्पल के दो टुकड़े हो गए। इसका मतलब दोनों फोर्स तो सेम है लेकिन इफेक्ट अलग अलग है। तो बच्चों, जो हम फोर्स लगाते हैं, आप कह सकते हो सर मैं भी 10 न्यूटन लगा रहा हूं, कोई कहेगा मैं भी 10 न्यूटन लगा रहा हूं, सब 10 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन इफेक्ट किसका है? पहले हमने 10 न्यूटन रखा, एप्पल का दो टुकड़ा नहीं हुआ, मतलब उसका इफेक्ट नहीं आया। जब नाइफ रखा और उसके ऊपर रखा तो दो टुकड़े हो गए, मतलब इस वाले फोर्स का इफेक्ट आया। तो जब इफेक्ट आएगा तो हम लोग उसको कहेंगे बच्चों प्रेशर। प्रेशर
पहले हथौड़े का सरफेस एरिया ज्यादा था, पूरा सरफेस उसके ऊपर रखा, जिसके कारण उसका प्रेशर कम हो गया, एरिया ज्यादा हो गया था। हथौड़े का एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम हो गया। जब हमने नाइफ को रखा तो नाइफ का धार पूरा पतला होता है ना, चाकू का देखा होगा आपने, तो चाकू की धार पतली होती है। जब हमने एप्पल के ऊपर रखा और उसके बाद रखा हथौड़े को 10 किलो का, अब क्या देखा कि नाइफ का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम हो जाने से प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। और जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उस फोर्स का इफेक्ट आएगा, तो फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर के बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। अब बच्चों प्रेशर जो होता है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी भी होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। हाँ, ये जान करके थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है लेकिन होता है। प्रेशर जो होती है वो स्केलर भी होती है और वेक्टर भी होती है। जैसे मान लीजिए कि एक बलून है आपके पास, एक बलून यहां से आप इसमें हवा भर रहे हैं, ये बलून है। जब आप इसमें प्रेशर डालते हवा का, तो क्या देखा कि हवा इधर भी फैल रहा है, 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 और फाइनली आपने देखा कि बैलून चारों तरफ से फूल गया, चारों तरफ से। अब मैं पूछता हूं कि प्रेशर का डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर प्रेशर का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मतलब प्रेशर चारों तरफ फैल रहा है, मतलब प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एट अ सिंगल पॉइंट, बट एट अ सिंगल पॉइंट प्रेशर हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाँ बच्चों, मतलब एक पॉइंट पर, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मेरा अगर ऑब्जर्वर यहां है, अगर मैं यहां से देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि इस प्रेशर को, अगर मैं यहां से बलून को देखता हूं तो ऐसे देखूंगा, ऐसे फूलता हुआ आ रहा है, ऐसे फूलता हुआ आ रहा है, ये वाला कर ऐसा दिखेगा कर्वेचर, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हुई ये वेव फ्रंट, एक फ्रंट आएगा, एक वेव की फ्रंट आएगी। ऐसे देखो, यहां से पहले ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बढ़ते आ रहा, बढ़ते आ रहा, बढ़ते आ रहा। मतलब एट अ सिंगल पॉइंट को जब देखते हैं तो उसके पास एक डायरेक्शन है प्रेशर का, और वो डायरेक्शन कहलाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वो प्रेशर एक पॉइंट पर वेक्टर क्वांटिटी होगा, बट एट अ सिंगल पॉइंट प्रेशर हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों प्रेशर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि स्केलर वैल्यू भी दे रहा है और वेक्टर वैल्यू भी दे रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर और वेक्टर दोनों दी, इसका हमने नाम रखा टेंसर क्वांटिटी, टेंसर, टेंसर, इसको याद रखिएगा। सो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, तो प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी टेंसर में भूलिएगा नहीं, टेंसर का क्या मतलब हुआ कि ये वेक्टर भी हो सकता है और ये स्केलर भी हो सकता है। अगर हम पूरे को देखते हैं तो ये स्केलर है, अगर हम एक लोकेशन को देखते हैं, यहां को, यहां देखते हैं, चाहे यहां देखते हैं, कहीं भी अगर हम एक पॉइंट पर देखते हैं तो वो हमें क्या दिखता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास एक ही डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन जब पूरे सिस्टम को देखते हैं तो दिखता है हमें स्केलर क्वांटिटी। तो ये है बच्चों हमारा प्रेशर। तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड,
जो होता है वो एक स्केलर वैल्यू देता है, पूरी को जब देखते हैं तो एक स्केलर वैल्यू मिलती है, बट एट अ सिंगल पॉइंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर भी रिप्रेजेंट करे और वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करे, दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे टेंसर क्वांटिटी। सो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी हो गई? टेंसर क्वांटिटी, इसको याद रखिएगा।